दिवाली के टारगेट की तरफ निफ्टी तेजी से बढ़ रहा है, 250 पॉइंट मजबूत है। सोमवार से तेजी की बात आप कर भी रहे थे, बेहतरीन तेजी होती दिख रही। बताएं सर पहले तो आउटलुक और अपने कॉल्स का अपडेट। गुड आफ्टरनून अनिल जी, तो आपने मुझे शुक्रवार को बुलाया, ऐसे दिन था जहां सभी बहुत चिंता में थे और आपको चिंता को तो मैं चिता की समाज समझता हूँ, इसलिए उसमें तो काफी रिलीफ आ गया अनिल जी। एब्सोल्युटली बिल्कुल। और अब मैं कहता हूँ दिवाली बहुत बढ़िया मनाएंगे, तो 18200 का कायम है मेरा निफ्टी का टारगेट, लेकिन उससे ज्यादा भी अच्छा है स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। और स्टॉक्स में आपको क्या बोला था कि TCS और आइशर मोटर यहाँ से भागेंगे। आइशर मोटर की सेल्स देखिए अनिल जी, द वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल हैज गिवन अ स्टार्टलिंग नंबर, जो इनकी मल्टीपर्पज बस है, और मुझे कोई दो राय नहीं कि आइशर इज हेडेड टू 3250 to 3400 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इसलिए आइशर मेरा टॉप पिक है, और साथ में मैंने आपको TCS कहा था, इस दिवाली पे 3700 का भाव दिख जाएगा TCS पे। ये तो मेरी सुबह की कॉल थी सर, आपको IDFC फर्स्ट दिलाया था 49.5 में, उसका भाव देखिए 51 रुपए 15 पैसे बिक गया, प्रॉफिट बुक कीजिए। TCS दिलाया था उसमें प्रॉफिट आप करना चाहें लेकिन रखिए, मैं अभी भी बोलता हूँ 200 रुपए और इसमें अभी आराम से आएंगे। मैंने आपको डॉक्टर रेड्डी कहा था, अशोक लीलैंड DLF भी देखिए 417 हो गया, और ACC अंबुजा भी दोनों चल चुके हैं। अब आप कहें तो दो पिक्स हैं अभी के लिए। सर बताएं दोनों पिक्स, दोनों आई एम श्योर खरीदारी की होंगी। बिल्कुल, तो पहला होएगा आपका देखिए PFC के नंबर, REC के नंबर बहुत बढ़िया थे, 2.5 रुपए डिविडेंड है और उसकी जो एसेट क्वालिटी है इट्स बीन वन ऑफ द बेस्ट डिविडेंड, मैंने फ्यूचर में डिविडेंड के आप 2.5 रुपए लगा के चलिए तो 47 रुपए में मिल रहा है, उसमें 45.5 का स्टॉप लॉस रखिए 50 to 52। और दूसरा होएगा जो आप आज आप जानते हैं IPL की बोली लग रही है, तो GMR इज वन ऑफ द को होल्डर्स इन कैपिटल एंड एरो सिटी इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, 41.5 to 42 में लीजिए, 40.75 का स्टॉप लॉस, 43.50 का टारगेट। एक बार भसी साहब जरा REC के मुझे लेवल्स वापस से बताएं प्लीज। REC अनिल जी मैं फ्यूचर में डिस्काउंट पे है, 47 में लीजिए, 44.50 में स्टॉप लॉस है, 52 to 50 का टारगेट, 152 हाफ का है, वही आई थिंक वही कैश और फ्यूचर्स में काफी फर्क है। फ्यूचर्स दिखाइए जो सर बता रहे हैं वो लेवल्स फ्यूचर्स के हैं, 145.50 का आप स्टॉप लॉस लगाएं 152.50 के टारगेट के लिए, और GMR में भी करें खरीदारी 40.75 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। फ्यूचर्स के लेवल्स जरा लाइए REC में, ये आपके लिए ठीक होगा। हाँ 147.50 के आसपास की टारगेट अब ठीक है, और GMR भी यहाँ पर खरीदारी करने की राय। बिल्कुल, तो GMR REC दो कॉल्स भसीन सर की तरफ से, शुक्रिया सर हमारे।